ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई का अनाज मिलने की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर दो कंपनियों के गोदामों में रखे गए अनाज की जांच कर गोदाम सील कर दिया। एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडोतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि PDS के राशन की सप्लाई होने की सूचना पर दो कंपनियों के गोदाम पर जाँच पड़ताल की गई, जहाँ 1500 बोरियों से ज्यादा बाजरा मिला जो ग्रेडिंग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि वारदाना PDS का था, लेकिन यह रिसाइकल होकर खरीदा जाता है। वहीं दूसरे कंपनी के गोदाम की जांच की गई तो यहां 5 घंटे तक मालिक पंकज अग्रवाल मौके पर नहीं पहुंचे, जहां 1200 से ज्यादा बोरियां गेहूं, चावल, बाजरा और ज्वार के वारदाने मिले। मालिक के न आने पर गोदाम को सील कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी, पंकज अग्रवाल का गोदाम है। कार्रवाई हम संभाल ही नहीं पड़ पा रही, सही कहा कार्रवाई हो रही, कहा हो रही, उन्होंने काम रुकवा दिया, काम रुकवा दिया, काम हो रहा, गल गाड़ी उतरी, मालिक यहाँ ही नहीं है ना, फिर बाहर हो रही गए, गाड़ी भी रोक रही है, पलटी हो रही थी गाड़ी, रोक दीजिए गाड़ी। क्राइम ब्रांच के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी SDM सर को कि यहाँ PDS का मतलब गेहूँ, चावल और बाजरा आया मतलब बिक रहा है, तो इसकी जानकारी के आधार पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इसमें फूड वाले भी हैं और मंडी से भी आए हैं। अब जो अभी भास्कर ट्रेडिंग कंपनी है, इसके जो मालिक हैं उनको बुलाया गया है। इसमें क्या है, एक्चुअल में जो बारदाना है वो PDS वाला भी है, इसलिए इसमें शंका जा रही है, और वो मालिक को बुला के स्टॉक वगैरह रिकॉर्ड चेक करके स्थिति क्लियर।